टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गेल की स्टॉक के बारे में। गेल में आज के दिन यहाँ पे देख सकते हैं 7.5% का यहाँ पे मूवमेंट अपसाइड हुआ है, तो इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा, आपको आगे की जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक चीज़ और, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, तो कोई अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही यहाँ पे निवेश करें। किसी के बहकावे पे आके यहाँ पे निवेश करना जोखिम हो सकता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे जो हमारा व्यू है, हम अपने लिए क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको चीज़ें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, बट डिसीजन लेना आपका काम होना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद। तो वो चीज़ें हैं, कोई भी वो नहीं है यहाँ पे। जितना चीज़ें आप सीखना चाहें उतना चीज़ें हमारे चैनल से सीख सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1,00,000 करोड़ के आसपास गेल का मार्केट कैप हो गया है और इसने आज ही हाई बनाया 153 का। लो जो है इस साल का 90 का था इसका, तो करीबन यहाँ पे 50 से 60% का यहाँ पे गेन दे चुका है। बुक वैल्यू 111 थी, बुक वैल्यू के अच्छा खासा 50% ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है गेल। और ROE ROC यहाँ पे देख सकते हो करीबन यहाँ पे 10 के आसपास हैं। डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करता है, 2.5% के आसपास डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें सेक्टर में किस पोजीशन पे है, सेक्टर में देख सकते हो अदानी टोटल गैस के पास बाद गेल ही है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अगर यहाँ पर बात करें सेल्स, इनकी जो सेल्स है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो सेल्स यहाँ पर मतलब एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो गई है, बट इनका जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो यहाँ पे इंक्रीज होने लगा है, क्योंकि मार्जिन इनका बढ़ने लगा है, यानी खर्चे कम होने लगे हैं, तो इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ने लगा है। नेट प्रॉफिट भी सेम यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेल्स भले ही स्टेबल है बट इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर ईयर वाइज की, तो ईयर वाइज में भी आप अगर आप देखेंगे ईयर वाइज में देख सकते हैं जो सेल्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम है प्रीवियस ईयर से ट्रेलिंग 12 मंथ का, बट यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम आया है, 200-300 करोड़ कम आया है। और एक चीज़ और नज़र मार लेते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर से कम आया है, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर के बराबर है। तो सेल्स यहाँ पे डाउन हुई जिसके कारण यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, बट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने अनाउंस किया था एक बार कि आप PSU सेक्टर में, मतलब जो लोग स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं उनको PSU सेक्टर पे ध्यान जरूर देना चाहिए एक बार। तो उसी के कारण यहाँ पे मूवमेंट जो है इसमें देखने को मिल रही है, बहुत सारे PSU स्टॉक हैं जिसमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब इनका रिजर्व देखते हैं, रिजर्व क्या बोल रहा है, रिजर्व यहाँ पे इनका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कम हो ही नहीं रहा है, तो रिजर्व यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ेगा, तो यहाँ पे मतलब कंपनी का शेयर प्राइस में भी जंप होता रहेगा। और अगर देखें प्रमोटर के पास 51 से 52% होल्डिंग है, FII के पास 15% है, DII के पास 20% है, और बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है और पब्लिक के पास बहुत कम माल पड़ा हुआ है, 6-6.5%। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टेक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड में है। अब इसके बाद देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पे गेल का क्या बोल रहा है, वो चीज़ भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो आ जाते हैं हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न में, ये आ जाते हैं गेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया है, और अगर हम लगाएं इसका 5 साल का चार्ट, पूरा का पूरा खुल गया, 5 साल का चार्ट लगाएं तो 5 साल के चार्ट में इसने ये जो रेजिस्टेंस था इसका क्या था, इसका एक रेजिस्टेंस था ये, सॉरी डबल डबल क्यों आ रहा है, एक ही है ना, ये रेजिस्टेंस को क्या किया,
ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम चालू कर दिया। बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने, ये देख सकते हो अगर आप देख पाओ तो। ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना, 1 2 3, इसका ब्रेकआउट भी हुआ और अब मूवमेंट टेक्निकल टारगेट की ओर निकल गया है। तो टेक्निकल टारगेट अब यहाँ पे कितना होगा अगर देखोगे तो ये 114 115 के आसपास था, 85 से मूवमेंट हुआ, करीबन 40 रुपये का यहाँ पे मूवमेंट हुआ, कितना 40 रुपये का। तो ये 40 रुपये का मूवमेंट 115 के ऊपर हुआ, नीचे हुआ है तो 115 के ऊपर भी यही मूवमेंट होना चाहिए। तो करीबन यहाँ पे कितना होता है 155 के आसपास, कितना 155 के आसपास। तो करीबन यहाँ पे अपने टेक्निकल टारगेट को ये हिट ही कर रहा है, तो 155 इसका टेक्निकल टारगेट था। ये देख सकते हो यहाँ पे कब रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगी, टेक्निकल टारगेट भी हिट होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो और ऐसे पैटर्न बनाए तो उस पर यहाँ पे उस ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और टेक्निकल टारगेट हिट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसे जब मतलब चार्ट पैटर्न बनते हैं लंबे टाइम के चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे टेक्निकल टारगेट बहुत जल्दी निकल के आता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो, तो ये एक रेजिस्टेंस भी होगा और इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ज़रूर कर सकता है, बट वॉल्यूम जो है वॉल्यूम सपोर्ट है, वॉल्यूम सपोर्ट के कारण यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम मेरे को लगता है फर्दर भी पॉसिबल होगा, इसके बाद भी पॉसिबल होगा। ऑल टाइम का चार्ट भी देख लेते हैं, ऑल टाइम के चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो एक ये जोन में ही ट्रेड कर रहा था। अरे यार कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, एक जोन में ट्रेड कर रहा था, इसको अगर लगाता हूँ तब समझ में आएगा, नहीं आएगा। एक ये जोन में ही ट्रेड कर रहा था और जोन को ये ब्रेक करने वाला है। आ जाए यार, बहुत दिक्कत देता है ट्रेडिंग व्यू। जोन में ट्रेड कर रहा था, जोन को ये ब्रेक करने वाला है, तो हो सकता है ये बहुत लंबे टाइम का जो जोन है ये ब्रेक हो तो अपसाइड मोमेंट और भी ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबल हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।